लोगों को बताते थे, वो बोलते थे बेटा जी सबको आपस में मिलजुल के रहना, एक दूसरा की तारीफ करनी है, किसी बहन भाई को खून की लोड है, किसी को पैसे की भी लोड है, किसी को खाने की भी लोड है, भी एक दूसरा की मदद करो, सबसे प्यार करो और मिलजुल कर रहो, एकता बना कर रखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैं हूँ आपके साथ नेहा। जुड़ रहे हैं उस डेरे के साथ जो कि जाना जाता है बाबा राम रहीम के नाम से। जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता जी। सुनीता जी, आप आज डेरे में आए हो? हाँ जी। किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो? मैम आए हैं जी बरता से, कैथल डिस्ट्रिक्ट है मेरी। अच्छा जी, इसलिए आए हैं भी दरबार में, दरबार वर्गी अच्छी जगह मैंने कहीं भी देखने को नहीं मिली। मैंने दरबार से जुड़े 30 साल हो गए। जब छोटी उम्र में मेरी माँ बाप या मेरा परिवार जुड़े थे, उनके साथ साथ मैं जुड़ी हूँ, आगे मैंने अपने बच्चे भी जोड़े हैं। तो यहाँ वर्गी अच्छी जगह मैंने कहीं भी नहीं देखी, ना देखने को मिलेगी। सुनीता जी, आपका इतना विश्वास है डेरे के प्रति, आप गुरु जी पर इतना विश्वास करते हो, तो आखिर क्यों करते हो? ना जी, विश्वास इस तरह करते हैं जी, पिताजी वर्गा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। मैंने सारी दुनिया घूम के देखी है, भी राम रहीम वर्गा चंगा, पिताजी जितना चंगा दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा, इस करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मैम आप बता रही हैं, सुनीता जी आप बता रही हैं कि यहाँ पे गुरु जी बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया इंसान जी, बहुत तो बड़ी। क्यों उनको इतना बदनाम किया गया, क्यों उन पर इतने गंदे लालचन लगाए गए? पता जी की क्या बात है। अच्छा, जिस तरह अपने बुजुर्ग बोलिया करते कि जगत कार भगत का सदैव भैरो, अपना एक ऐसा देश है हिंदुस्तान है, यहाँ चंगा बंदा को चंगा नहीं रहने देते, उसको बदनाम करके छोड़ते हैं। चंगा डॉक्टर है, चंगा मास्टर है, उसको बाहर लिखाते हैं, अपना देश नु कामयाब नहीं होने देंगे, इस करके बदनाम किया गया। जो इसके साथ दुनिया जुड़ेगी वो चंगी जुड़ेगी, चंगी रहेगी, चंगी बनेगी, भी चंगा रहने नहीं देना अपन, इस करके बदनाम किया गया। डेरा का अंदर वर्गी तो कहीं भी सुविधा नहीं मिल सकती। आप कितने लंबे समय से यहाँ से जुड़ चुके हैं? मैं जुड़ी हूँ मैम जी 30 साल हो गए मैंने जुड़ी ने। 30 सालों से आप डेरे से जुड़े हो? हाँ जी। तो क्या देखा है आपने, क्या आप मतलब जो भी बोल रहे हो लोग बुलवा रहे हैं या फिर आपने खुद अपने आँखों से? नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ, बचपन से मैंने यह देखा भी उन लड़कियों को भी कितनी सेफ्टी दी जाती है, यहाँ रहन सहन का कितना अच्छा काम है, कितनी यहाँ अच्छी बात सिखाई जाती है। मैं इस करके यहाँ आती हूँ, इस करके मैं डेरा से जुड़ी हूँ ना जी। देखो जी, यह दुनिया दरंगी, ये सारा सरकार ने सिस्टम बनाया, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। मैं ना किसी की कई कवाई कह रही, मैंने अपने आंखें देखा, या सिर्फ भी या अपना चंगा ही नहीं रह सका, भी पब्लिक सुधर ना सके, इस करके ढोंग रचा गया। कहना चाहोगे यहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल सेफ हैं? बिल्कुल सेफ, यहाँ वर्गी सेफ, लड़की तो खुद माँ बाप के घर पर भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब तो ये भी, मैं अपने घर पे आपके माँ बाप के पास हूँ, वहाँ भी सेफ नहीं जितनी मैं यहाँ पर सेफ हूँ। तो सुनीता जी क्या कहना चाहोगे आप, आज इतने लोग इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा साध संगत यहाँ पे आई हुई है, तो ये इसलिए आई है? ये इसलिए आए जी भी बहुत बढ़िया अच्छा काम है यहाँ, यहाँ बहुत बढ़िया अच्छा काम है, दुनिया इस कर का है, और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं विवाह कुछ लेने के लिए, एक देने के लिए आवा, और अच्छी प्रेरणा लेने के लिए आवा, अच्छी बातें सीखने के लिए आवा, किसी तरीके का दान चढ़ावा यहाँ से लिया, लिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ कोई गल्ला नहीं। दरिया जा रहा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी धर्म है सारी जगह गल्ला पड़िया, सिर्फ पहला धर्म है सच्चा सौदा डेरा, भी यहाँ चढ़ावा नहीं लिया जाता, यहाँ गल्ला कोई नहीं है, इस करके जुड़े हैं जी, पूरा अच्छे बढ़िया काम सिखाए जाए, अपने बच्चों को नशों के बचाने के लिए, अपनी लड़कियों को माड़े कामों से बचाने के लिए आप दरबार के साथ इस करके जुड़े हैं। सुनीता जी, यहाँ पे सेवा को गलत ठहराया गया है? यहाँ जी बहनों को सही बढ़िया ढंग से करवाई जाती है, बढ़िया सेफ से करवाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई लड़कियाँ भी कल्ली नहीं रखी जाती, कोई लड़की भाई के साथ नहीं चलती, लड़कियाँ लड़कियों में रहेंगी, माता बहनों में रहेंगी, लेडीजों में रहेंगी, सबकी सेफ्टी के अंदर रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है उधर, ऐसा कुछ नहीं है उधर, ये दुनिया ने बताया अंदर मर्जी कितना बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर की चंगी दुनिया तो ना तो मैंने देखी, ना देखने को मिलती। तो सरकार गुरु जी ने लोगों के लिए क्या किया है, उन गरीबों के लिए क्या किया है, क्या किया है गुरु जी? लोगों के लिए बहुत कुछ किया,
गरीबों के लिए भी बहुत कुछ किया, गरीबों की लड़की ब्याहना, गरीबों को इलाज करवाना, इसे बहुत सारे अच्छे काम करे हैं। इसी करके तो फसाया गया हिंदुस्तान के अंदर, अच्छे कामों वाला किसी चंगा नहीं लगता बंदा। ये मैंने आपसे पहले बोले थे भी डॉक्टर चंगा, मास्टर चंगा, चंगे काम करे कोई, उसने चंगा रहने नहीं देंगे। अपना देश एक ऐसा देश है। सुनीता जी, आप डेरे में आए हो, क्या देखा है आपने, किस तरीके का माहौल रहता है यहाँ पे? अगर रात में रुका जाए, यहाँ पे लड़कियाँ रुकती होंगी, बहनें रुकती होंगी, यहाँ पे लड़के रुकते होंगे, तो किस तरीके का माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ बहुत बढ़िया माहौल देखने को मिला। रात में रहो, दिन में रहो, चार दिन रहो, महीना ठहरो, यहाँ कोई तकलीफ नहीं। लड़के अपनी साइड रहेंगे, लड़के अपनी साइड रहेंगे, लड़कियों को कोई तकलीफ नहीं आ रहने के लिए। मैं, मेरी लड़की है 21 साल की, जो उसने मगर महीना छोड़ कर महीना ने संभाल, मनु कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर की सेफ जगह कहीं देखने को नहीं मिली है। तो सुनीता, यहाँ पे जो लंगर है वो पैसों से मिलता है या फिर किस लिए वो बनाया? वो अपनी मन की है, लंगर फ्री मिलेगा सत्संग के बाद, नाम चर्चा के बाद लंगर फ्री। तो अपनी फैशन का मारा कोई कहीं भी खा सकता है, अपनी जीविका सवाल नहीं, लंगर की कोई कमी नहीं है। अपनी मर्जी तक कितना लंगर खाओ, किस तरह ही रहो, आप मान ले सोच लें अपने पास पैसे हैं, आप चंगी चीज़ वहाँ जाके खा लें, वहाँ जाके खा लें, वो अलग बात है। उम्र किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, लंगर की कोई कमी नहीं, पानी की नहीं, कैसे चीज़ की कोई कमी नहीं, सब कुछ है। सुनीता जी, यहाँ पे लोगों का व्यवहार देखा जाए तो किस तरीके का व्यवहार है, किस तरीके से लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कैसा व्यवहार है यहाँ पर? कभी बार तुमने कहीं भी देखा करिए, एक दूसरा से ऐसे प्यार करते हैं जो माँ जाए अपना बहन भाई वो भी नहीं करता, जिसने एक उर्दू में पैर पसारे और भी ऐसा प्यार नहीं करता जितना एक दूसरा एक दूसरे से प्यार करता। तो सुनीता जी, ये जो प्यार है ये किस तरह से पैदा हुआ है आपके बीच में, किस तरह से लोग इसको मतलब ले? ये प्यार सतगुरु की भावना से हुए, सतगुरु की ओर देखते हुए भी सतगुरु सबसे इतना प्यार करता और इतना कर्ण से क्या है, पर आप उस सतगुरु की क्या ही प्रेरणा पर चला। सुनीता जी, जब यहाँ पे सत्संग होते थे डेरा में, जब गुरु जी यहाँ पे स्टेज पे वहाँ गद्दी पे बैठा करते थे, तो क्या बताते थे वो लोगों को और क्या लोग सीखते थे या गैदर करते थे, क्या सीखते थे उनसे? वो लोगों को बताते थे, वो बोलते थे बेटा जी सबको आपस में मिलजुल के रहना, एक दूसरा की तारीफ करनी है, किसी बहन भाई को खून की लोड है, किसी को पैसे की भी लोड है, किसी को खाने की भी लोड है, भी एक दूसरा की मदद करो, सबसे प्यार करो और मिलजुल कर रहो, एकता बना कर रखो। क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को आप, क्या कहना चाहोगे? मैं लोगों को यह कहने जा रही हूँ भी जो कुछ डेरा पर रोप लगाया गया है सब झूठा, यह सब झूठा। दरबार में आओ, डेरा में आओ, सब कुछ देखो, जिसने नहीं देखा आकर देखो, देखो माने तो देख लिया, विश्वास है। जिन्होंने नहीं विश्वास है, जिन्होंने जो से रोप लगा, मैं कह रही हूँ उसको, मेरा कहने का मतलब भी आकर देखो दरबार में भी, दरबार में क्या कमी है, कोई कमी है आकर काटो। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से यह कहना चाहेंगे भी सरकार ने बाबा राम रहीम को बेल देनी चाहिए, भी पब्लिक आ गए उससे भी ना, नशे पत्ते में बच्चे बढ़ेंगे, लड़कियां गलत काम में बढ़ेंगी, ये उसके साथ जुड़ी रहेंगी तो उसमें मान ले नाम धाम में ला ले, चंगे कामों में नीत बनी रहे बच्चा की। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। तो देखिए ये थी महिला की जुबानी, जो भी इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सच कहा, कुछ भी इनको इनको सिखाया नहीं गया है या फिर ये खुद अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं। तो क्यों ऐसे संत को बदनाम किया गया है, क्यों ऐसे गुरु जी को बदनाम किया गया है, जो लोगों को सच की राह पे चलने के लिए सिखाते थे, सही काम करने के लिए सिखाते थे, जो लड़कियों को बताते थे कि उनको अबला नहीं सबला बनना है, तो आखिर क्यों ऐसे संत को बदनाम किया गया? ज़रा अपनी राइट मैंड बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।